नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट सिर्फ चलान से ही नहीं बचाता बल्कि एक्सीडेंट होने पर सिर पर लगने वाली चोटों से भी आपको सुरक्षित रखता है। तो वहीं हेलमेट नहीं पहनना तो नियम तोड़ने से पहले से ही शामिल है, लेकिन अब हेलमेट सही से नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1,000 से 2,000 रुपए तक का चालान भी कर सकती है। टू व्हीलर चलाने या ऊपर पर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि ताकि एक्सीडेंट के वक्त आपके सर पर कोई चोट नहीं आए। एक्सीडेंट के ज्यादातर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से लोग अपनी जान गवा देते हैं। ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना ना भूलें। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, वह स्ट्रिप नहीं लगाते। इतना ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता या वह टूटी होती है, तो इन तमाम स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है। भारत सरकार ने 1998 में मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है, जिसमें टू व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहनना है लेकिन वह खुला हुआ है तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो जो है इस पर भी आप पर जो है 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2,000 रुपए का चालान होगा। हेलमेट हमेशा अच्छी कंपनी और क्वालिटी का होना चाहिए। हेलमेट पर ISI मार्क लगा हो। एक असली हेलमेट कम से कम 1,000 रुपए की कीमत में आता है। 300 से 400 रुपए वाले हेलमेट खरीदने से बचना चाहिए। ध्यान दें, अगर आपने नकली हेलमेट पहना है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1,000 रुपए का चालान किया जाएगा।